गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं चौधरी MR मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन YYNRD निर्वाणा से, कक्षा BR सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट पर्यावरण शिक्षण। आज का जो टॉपिक है वो है अपशिष्ट पदार्थ। आज हम अपशिष्ट पदार्थ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं। इसका सामान्य अर्थ होता है अवांछित या अनुप्रयोग सामग्री। अवांछित या अनुप्रयोग सामग्री, कोई भी पदार्थ जो कि प्राथमिक उपयोग के बाद बेकार या दोषपूर्ण होने के बाद उसे होने के कारण उसे छोड़ दिया जाता है तो वह अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। जैसे घरों से निकलने वाला जो भी कूड़ा कचरा है, नगरपालिका से निकलने वाला जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जल अपशिष्ट जैसे सीवेज, शारीरिक मल मूत्र और रेडियोधर्मी अपशिष्ट, वे सभी इसमें आते हैं। तो इस प्रकार जो अपशिष्ट पदार्थ है वह उस कचरे को कहा जाता है जो कि नियमित रूप से एकत्रित होता है, जैसे घरों, कारखानों, ऑफिस या अन्य इमारतों की सफाई करने से जो भी कचरा निकलता है उसे हम कचरे पात्र में ऐसे ही या सड़कों पर या नदियों के किनारे ऐसे ही डाल देते हैं। तो ये सारा जो कचरा है वो अपशिष्ट पदार्थ के अंदर आता है। ये जो अपशिष्ट पदार्थ है इसकी वृद्धि के चलते पर्यावरण प्रदूषण है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे वातावरण पर तो प्रभावित होता ही है, उसके साथ साथ जो मानव है या अन्य जीव है उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार जो अपशिष्ट पदार्थ है वो उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषा दी है, जिसमें पहले आते हैं फैसलिन के शब्दों में किसी भी प्रकाश की ठोस पदार्थ जिनको दीर्घकालीन समय तक आर्थिक दृष्टिकोण उपयोगी न होने पर न होने के कारण अनावश्यक छोड़ दिया जाता है। जो जैव तथा अजैविक तथा जो जैविक अजैविक स्वरूप के आकार में होते हैं। ये फैसले ने अपशिष्ट पदार्थ की परिभाषा दी है कि किसी भी प्रकार के ठोस पदार्थ
जिनको दीर्घकालीन समय तक आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी न होने के कारण अनावश्यक रूप से छोड़ दिया जाता है, तथा जो जैविक और अजैविक समूह के आकार में होते हैं वह अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। तो इसी प्रकार एक विद्वान ने इसकी और परिभाषा दी है। राम प्रसाद ने के अनुसार आवश्यकता रहित या छोड़ी गई जो कि ठोस आकार के जो समाज की क्रियाओं से वीएम प्रसाद के अनुसार आवश्यकता रहित या छोड़े गए पदार्थ जो कि ठोस आकार में हो तथा जो कि जो समाज के सामान्य क्रियाओं से उत्पन्न हो रहे हों ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। तो ये था ठोस अपशिष्ट का अर्थ और उसकी परिभाषा। अब हम आगे ठोस अपशिष्ट के स्रोतों के ऊपर चर्चा करेंगे कि ठोस जो अपशिष्ट है वो किन किन स्रोतों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत। तो अब हम आगे हम देखेंगे अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत। अपशिष्ट पदार्थ के जो स्रोत हैं उसको दो भाग में बांटा गया है। पहला आता है उत्पादन संबंधी आता है, इसमें उत्पादन संबंधी स्रोत। इसके अंतर्गत जो वृहद स्तरीय और लघु स्तरीय जो उद्योग हैं उनको शामिल किया जाता है। जैसे पहला आता है इसमें वृहद स्तरीय आता है इसमें वृहद स्तरीय उद्योगों से संबंधित जो स्रोत हैं। वृहद स्तरीय जो उद्योग होते हैं ये बड़े बड़े महानगरों में स्थापित होते हैं। जैसे जो चीनी उद्योग है इसमें आता है चीनी मिल है, कार उद्योग है, परिवहन उद्योग है। तो इस प्रकार जो बड़े उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है वो वृहद स्तरीय उद्योगों में आता है। फिर इसमें दूसरा है लघु स्तरीय उद्योगों
लघु स्तरीय उद्योगों से संबंधित स्रोत। लघु स्तरीय में जो छोटे नगरों में जो उद्योग स्थापित होते हैं उनसे निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इसमें आता है। इसमें जैसे बीड़ी उद्योग है, बीड़ी उद्योग, पापड़ उद्योग, मूर्तिकला उद्योग, कास्ट शिल्प उद्योग, तो इस प्रकार के जो छोटे उद्योग हैं वो लघु स्तरीय उद्योगों में आते हैं। इनसे निकल इनसे भी बहुत प्रकार का जो अपशिष्ट है वो निकलता है। फिर आता है इसमें उपभोग संबंधी स्रोत। दूसरा जो है अपशिष्ट पदार्थ का स्रोत वो है उपभोग संबंधी स्रोत। उपभोग संबंधी स्रोत में जो एकांकी घर है, सामुदायिक केंद्र है, बाजार है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो पहला इसमें है एकांकी घर। तो इस प्रकार के जो घर है वो वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि परिवार का हर सदस्य अलग अलग रहना पसंद करता है, जिसके कारण जो घरों से निकलने वाला जो कचरा है, भोजन सब्जी से संबंधित जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसमें वृद्धि होती है। फिर आता है इसमें सामुदायिक केंद्र। सामुदायिक केंद्र में इसमें कार्यालय है, शादी विवाह संबंधी स्थल है, सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी स्थल है, विद्यालय है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। और इनसे भी बहुत से प्रकार का जो अपशिष्ट है वो प्रतिदिन निकलता है। फिर आता है इसमें बाजार। बाजार भी उपभोग संबंधी जो स्रोत है उसका एक प्रमुख स्रोत इसको माना जाता है। बाजार में फल व सब्जियां बेचने वाले स्थान हैं, ठेले पर खाने पीने की वस्तुएं बेचने वाले स्थान हैं, या रेस्टोरेंट आदि को इसमें शामिल किया जाता है। उनसे भी विभिन्न प्रकार का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो दिन प्रतिदिन निकलता है। इसके बाद में आते हैं अन्य स्रोत। अन्य स्रोत में अन्य स्रोत में एक तो कृषि स्रोतों को वाणिज्य स्रोत, ये दो प्रकार के स्रोत है इसमें शामिल किए जाते हैं। जैसे कृषि स्रोत भी है वो भी अपशिष्ट पदार्थ का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। जैसे डंठल है, घास फूस है, पताई खाई और गोबर आदि जो पदार्थ है वो उसमें शामिल किए जाते हैं। फिर आता है इसमें वाणिज्यिक स्रोत। वाणिज्यिक स्रोत में जो व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे सब्जी मंडी है और अनाज मंडी है, लोहा मंडी है, अन्य पदार्थ के क्रय विक्रय केंद्र आदि आते हैं इसमें, और इनसे विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ हैं वो उत्पादित होते हैं। तो ये था अपशिष्ट पदार्थ के। तो आगे हम जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके वर्गीकरण के ऊपर चर्चा करेंगे।
आता है। कृषि अवशिष्ट तीसरा है महानगरीय मानव है पशुजन्य मानव तो ये है अपशिष्ट पदार्थ के वर्गीकरण। इसमें पहला है घरेलू आवास या अपशिष्ट यानी घरों से निकलने वाला अपशिष्ट, दूसरा है कृषि अपशिष्ट, फिर है महानगरीय अपशिष्ट, फिर खनन अपशिष्ट, औद्योगिक एवं व्यावसायिक अपशिष्ट, मानव एवं पशुजन्य द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट। तो ये है अपशिष्ट के वर्गीकरण। अब हम एक एक करके इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसमें आता है घरेलू आवासीय अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति एक दिन में 300 ग्राम से 1000 ग्राम तक कचरा उत्पन्न करता है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन कितना जो अपशिष्ट पदार्थ है वो घरों से निकालना जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में 4000 टन, मुंबई में 6050 टन, कोलकाता में 3150 टन और अहमदाबाद में 1280 टन कचरा प्रतिदिन निकलता है। और यह सभी जो आंकड़े हैं वो घरेलू अपशिष्ट के आंकड़े हैं। फिर इसमें आता है कृषि अपशिष्ट। कृषि अपशिष्ट के अंतर्गत वे सभी पदार्थ आते हैं जो कि अनुपयोगी होते हैं, जैसे घास है, फूल पत्तियां आदि, इस प्रकार का जो खेतों से निकलने वाला जो भी कचरा है वो कृषि अपशिष्ट के अंतर्गत आता है। झोंपड़ी या जो छप्पर से है वो के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अधिक मात्रा में निकलता है। और कृषि उत्पादों से भी जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जैसे ईंख के गन्ने को निकालने में इनके छिलन तथा को अपशिष्ट के रूप में शेष छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार जो कृषि क्षेत्रों से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भी अधिक मात्रा में निकलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो वर्गीकरण है हम इसके आगे की क्लास में चर्चा करेंगे।